Hi guys, this is me Palak and I welcome you all in my channel Palak's Planet. So in today's video, I'm going to share 10 must-have stationery items or craft material. तो अगर आपको भी मेरी तरह craft करना बहुत पसंद है, तो ये वो 10 चीजें हैं जो आपके पास हमेशा available होनी चाहिए. So without wasting time, let's start today's video. But before starting my video, as I always say, is like, share, comment, and subscribe to my channel. And don't forget to press the bell icon so that whenever I post any video, it will reach to you and you can watch it. And if you wanted to stay connected with me, then you can also follow me on Instagram and Facebook. So without wasting time, let's start today's video. So let's get started. तो वैसे तो जो क्राफ्ट का मटेरियल होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप क्या बना रहे हो या आपको क्या बनाना है. बट आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 10 वो मस्ट हैव मटेरियल शेयर करूंगी जो ज्यादातर क्राफ्ट वर्क में या रूम डेकोर में यूज किए जाते हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट मस्ट हैव मटेरियल से, जो कि है ये ग्लू गन. वैसे तो आपको पता होगा कि ये ग्लू गन है क्या, इसका यूज क्या है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ कि इसकी हेल्प से आप कुछ भी ऐसे चुटकियों में चिपका सकते हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, बहुत इजीली चिपक जाती है. बट अब चिपकाओगे कैसे, इसमें तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा जिसकी हेल्प से जो स्टिक करने में यूज़ होता हो. तो उसके लिए यूज़ होती हैं ये स्टिक्स. ऐसी ये स्टिक्स आती हैं ग्लूगन की, 10 रुपीज़ की एक मिलती है. सो इसके यूज़ से हम कुछ भी चीज़ बहुत ही ईजिली चिपका सकते हैं. सो ये है हमारा सेकेंड मस्ट हैव मटेरियल. तो अगर आपके पास ये नहीं है ना, तो ये जो आपकी ग्लू गन है ना, ये बिल्कुल वेस्ट है, इसका कोई यूज नहीं है इसके बगैर. तो ये दोनों फर्स्ट प्रायोरिटीज हैं कुछ भी क्राफ्ट करने के लिए. सो आगे बढ़ते हैं अपने थर्ड मस्ट हैव मटेरियल की तरफ, जो कि है शार्प सीजर्स. कितनी सारी सीजर्स हैं. सो वैसे तो ये बहुत ही कॉमन है, सबके पास होती ही है, बट क्राफ्ट के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास शार्प सीजर्स नहीं है तो आप जब भी क्राफ्ट करने बैठोगे आपका मूड पक्का स्पॉइल होगा. तो थर्ड मस्ट हैव मटेरियल है ये सीजर्स, शार्प सीजर्स. ये तो नई ही है, अभी खोली भी नहीं है मैंने इसको. अब आगे बढ़ते हैं अपने फोर्थ मस्ट हैव मटेरियल की तरफ, जो कि है न्यूज़पेपर्स. सेम सीजर्स की तरह न्यूज़पेपर भी बहुत ही ज्यादा कॉमन है. ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे न्यूज़पेपर्स नहीं आते हैं. बट एंड में उनका क्या होता है कि ये रद्दी बन जाते हैं और फिक जाते हैं, क्योंकि आप उसको यूज ही नहीं करते क्राफ्ट करने के लिए. सो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज है जिससे हम इतने सारे वे में यूज कर सकते हैं क्राफ्ट करने के लिए. जैसे पेपर मैशे से एक सुंदर सा टेबल लैम्प बना सकते हैं. पेपर स्ट्रॉज बहुत सारे वे में यूज होते हैं, जैसे वॉल हैंगिंग्स में, डेस्क ऑर्गेनाइजर्स में या फिर फोटो फ्रेम्स में. न्यूज़पेपर स्ट्रॉ से इतने सुंदर सुंदर फोटो फ्रेम्स बनते हैं. सो मैंने थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर से क्राफ्ट के वीडियोस अपने चैनल पे पहले डाले हैं, तो मैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. तो एक बार देखना जरूर कि क्या क्या कैसे कैसे यूज़ होता है. तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ मस्ट हैव मटेरियल की तरफ, जो कि है ये ग्लिटर पेपर्स. ये बहुत ही सारी कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता होगा कि ये सब मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है. तो जो ग्लिटर पेपर्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है. ये किसी भी स्टेशनरी शॉप में बहुत ही आराम से मिल जाता है. और अगर आप ग्लिटर पेपर को यूज़ करके कुछ भी क्राफ्ट बनाते हो, फॉर एग्जांपल फ्लावर्स बनाते हो या कार्ड्स बनाते हो या किसी भी क्राफ्ट में यूज़ करते हो, तो वो चीज़ इतनी सुंदर लगती है ना, क्योंकि इतने अच्छे कलर्स अवेलेबल होते हैं ग्लिटर पेपर में. मैं दिखाती हूँ, इतना सुंदर पिंक कलर है. अब इससे आप कुछ भी बनाओगे वो इतना सुंदर लगेगा. इसकी बटरफ्लाइज इतनी प्यारी लगेंगी. मैंने पहले वीडियो डाली है बटरफ्लाइज की, तो लिंक मैं उसका भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो एक बार देखना जरूर. इसके फ्लावर्स बहुत अच्छे बनते हैं. इनफैक्ट इन शॉर्ट, ग्लिटर पेपर से आप कुछ भी बनाओगे वो बहुत सुंदर बनेगा. सो ये है हमारा फिफ्थ मस्ट हैव मटेरियल. तो आगे बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ मस्ट हैव मटेरियल की तरफ, जो कि है ये कलरफुल पेपर्स. वही न्यूज़पेपर, ग्लिटर पेपर, सीजर्स की तरह ये भी बहुत ही कॉमन है. सबने यूज जरूर किए होंगे कलरफुल पेपर्स अपनी क्राफ्ट में. बट एट द सेम टाइम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्राफ्ट करने के लिए. अगर आप कलर पेपर का यूज करके कुछ भी फ्लावर्स बनाते हो या कोई भी क्राफ्ट करते हो, तो वो इतनी सुंदर लगती है. सो ये है हमारे सिक्स्थ मस्ट हैव मटेरियल. सो अब ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए जल्दी जल्दी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बोलूँगी. तो जो सेवन मस्ट हैव मटेरियल है वो है
एडेसिव्स यानी चिपकाने के लिए जो ग्लू यूज होते हैं वो। सो ये होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर चीज़ ग्लू गन से नहीं चिपका सकते, आपको कुछ इनका यूज भी करना है। ज़्यादातर चीज़ें वैसे चिपका सकते हो बट पेपर ग्लू गन से नहीं चिपकता, उसके लिए हमें फेविकॉल है, फिर अलग अलग टाइप के फेविकॉल्स हैं यहाँ पे, तो इनका यूज करना पड़ता है। सो ये है हमारे 7 मस्ट हैव मटेरियल। जैसे फैब्रिक ग्लू यूज होता है स्टोन्स को चिपकाने के लिए, फैब्रिक पे यूज होता है, उसके लिए फेविकॉल और ग्लू गन यूज नहीं की जाती। सो अलग अलग टाइप्स के एडेसिव्स, ये हमारे हैं 7 मस्ट हैव मटेरियल। फिर बारी आती है 8th मस्ट हैव मटेरियल की, जो कि है डबल साइडेड टेप। इतना अच्छा है ना ये टेप, इतनी ज्यादा इसमें क्या बोलते हैं चिपकन होती है, या इतना ज्यादा ये स्टिकी होता है कि आप इसकी हेल्प से कुछ भी, मतलब अगर आपको वॉल पे कुछ रूम डेकोर आपने बनाया है और उसको आपको स्टिक करना है वॉल पे, तो ये इतना इजीली स्टिक हो जाता है ना। एक तो डबल साइडेड है तो बहुत ही इजी होता है इससे चिपकाना कुछ भी। सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको क्राफ्ट करना पसंद है तो आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। मेरे पास ये हमेशा अवेलेबल रहता है। सो ये है हमारा 8th मस्ट हैव मटेरियल जो कि है डबल साइडेड टेप। अब आगे बढ़ते हैं 9th मस्ट हैव मटेरियल की तरफ, जो कि ये कह लो कि ये स्टोन्स आते हैं, इनमें स्टिकनेस पहले से होती है, हमें इसके लिए कुछ ग्लू का या ग्लू गन का यूज नहीं करना पड़ता है इनको स्टिक करने के लिए, तो ये भी बहुत क्यूट लगते हैं। दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा पता नहीं, आई डोंट नो। अगर आपने कोई प्लेन ब्लैक कलर का फोटो फ्रेम बनाया है और उस पर आप ये ऐसे स्टोन्स लगा दो तो वो इतने सुंदर लगते हैं ना। सो ये भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये है हमारा 9th मस्ट हैव मटेरियल। सो अब बारी है 10th मस्ट हैव मटेरियल की, जो कि है इम्पोर्टेंट है बट बहुत ही कॉमन है, नॉर्मली मिल जाता है। सो जो 10th मस्ट हैव मटेरियल है वो है, एक सेकेंड मुझे थोड़ा दूर रखा है दिखाना पड़ेगा, ये मोती हैं मेरे पास, वाइट कलर के हैं, गोल्डन कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं, ये हर कलर में अवेलेबल होते हैं। सो ये 10th मस्ट हैव मटेरियल है, आप इनकी यूज से कुछ भी क्राफ्ट का डेकोर का सामान इजीली बना सकते हो। सो ये अलग अलग साइज डिज़ाइंस कलर्स में अवेलेबल होता है, तो मेरे पास यहाँ पे इस टाइम पे और रखे हैं अंदर, बट इधर जो हैं वो दो साइज के हैं, एक ये सबसे, एक ये थोड़ा बड़ा साइज है, इतना बड़ा है, और एक है ये साइज, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बट मे बी ये 2 नंबर के हैं, नहीं 4 नंबर के, और जो मैंने पहले दिखाया था वो 6 नंबर के मोती हैं। सो ये मोती भी बहुत ही यूजफुल है क्राफ्ट करने के लिए, और ये तो हर कलर में अवेलेबल होते हैं, तो आपको किसी भी कलर का क्राफ्ट करना है सो उसमें यूज हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में बस इतने ही 10 मस्ट हैव मटेरियल्स हैं। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड मेक श्योर अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी है ना, then make sure that you hit the like button, and you can also tell me in comment section कि आपको ये वीडियो कितनी useful लगी। so